निदान आवश्यक लगता है कि राम जन्मभूमि परिसर के अंदर या अयोध्या के अंदर क्या ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा। ये जैसे बड़ी जगह से जो यात्री चलते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, नीचे जमीन चलता है, ऊपर से तपता है, चारों तरफ बेचारे सामना करना पड़ता राम लग दर्शन करने हेतु, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा आज तक नहीं सरकार कर पाई। इतनी सरकार आई, कम से कम मीटिंग बिछा दे या ऊपर कोई छाजन कर दे जिससे कारण से यात्रियों को सुविधा हो, 4 घंटे 2 घंटा 1 बजे से यात्री किसके मंदिर में घुस जाएं, कहाँ जाएं बेचारे धूप में जी। यात्रियों की सुविधा के लिए विश्रामालय स्थल बना तो वो भी दुकानदार यहाँ कब्जा कर लिए, यात्री बैठने की जगह नहीं पाते जी। प्रशासन कई बार लिख के दिया कि प्रशासन कोई मान्य नहीं, DM कोई मान्य नहीं करते, उसका कोई सुनवाई नहीं यात्रियों के लिए। यात्री बेचारे किसके मंदिर घुस जाएं, 3 घंटा कहाँ बिता दें जी, उनके लिए इतना कष्टदायक है, बेचारे किसके मंदिर चला जाएं, दोबारा सारे मंदिरों को पट कबाट बंद हो जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व नए घाट मेरे मांग के बाद सफाई की गई, तो क्या इधर 2-4 दिन में मंदिर परिसर के अंदर सफाई का कार्य, मंदिर परिसर का तो सफाई हो चुकी, सफाई का कार्य हो चुका हो चुकी है, लेकिन इधर आपको हमने कह रहे हैं जहाँ यात्री खड़ा होते D1 से खड़े होने से लेके मंदिर परिसर तक जाने के रास्ते में कुछ तो दूर तो साधन तो करना चाहिए। जहाँ यात्री 2 घंटा खड़े लाइन लगाए खड़े धूप में लगते हैं, उनको क्या सुविधा। एक समस्या और आपने देखा होगा, जो हिंदू महिलाएं आती हैं तो उनकी बिंदी उतार दी जाती है, उनकी बिंदी नहीं जाने पड़ता है, उनका जो है कोई श्रृंगार का सामान जैसे मान लो सिंदूर है नहीं जा बहा दिया जाता है जी। उसके लिए कोई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो कि बेल्ट के अंदर में बक्कल के अंदर कुछ भी जा सकता है उसको नहीं रोक कर पा रहे हैं, चप्पल तक नहीं रोकते, जो जूते के अंदर कुछ भी जा सकता जी, जो रोकना चाहिए उसको नहीं रोक रहे, जो ना रोकने के चक्कर वो उसको भरे फोटो नहीं जाएगा। अब मान लो आप फोटो खिंचाए हो अपना आके अयोध्या में, वो नहीं जाएगा, फेंकवा दे, कोई पाया कोई नहीं पाया चला गया कचड़े। अच्छा, जिस तरीके से 2015 में तिरपाल बदला गया था और आज पूरे प्रदेश में भगवा राज्य है, वैसे भगवा होना चाहिए, तो क्या तिरपाल मंदिर के अनुकूल लगता नहीं कि आपको बदला जाना चाहिए, बदला भगवा कलर होना चाहिए, भगवा कलर होना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम समस्या, हम सारी साधना करके मंदिर आते हैं, हम सब सह सकते हैं, लेकिन आते हैं भगवान के दर्शन को, आपको भी लगता है कि जितनी दूरी से भगवान को दिखाया जाता है तमाम लोग सुस्पष्ट दर्शन नहीं कर पाते, बुजुर्ग आदमी नहीं दर्शन कर, तो या तो उन्हें करीब से दर्शन कराया जाए, CCTV लगवाया जाए, CCTV लगवा दे, देख ले बेचारे उनको दर्शन में बड़ी दिक्कत होती है। आप श्री अयोध्या धाम के दशरथ गद्दी के पीठाधीश्वर महंत जी हैं और आप भी मेरी पूर्व के की गई मांगों की पुष्टि कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार हिंदू जनमानस की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस बिंदु पर त्वरित कोई फैसला लेगी, अन्यथा की दशा में हमें नियत समय के बाद आमरण अनशन करने को बाध्य होना पड़ेगा। मैं चंद्रमणि पांडे, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल।